वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे SBI आदित्य बिरला क्रेडिट कार्ड के बारे में। SBI और आदित्य बिरला ने मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, न्यू क्रेडिट कार्ड है। बेनिफिट्स फीचर्स इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसा कार्ड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है, और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लॉन्च एक्सेस भी मिलता है और अच्छे रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं, फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। तो फुल डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। SBI और आदित्य बिरला ने मिलकर ये दोनों क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। पहला है SBI आदित्य बिरला क्रेडिट कार्ड, दूसरा है SBI आदित्य बिरला सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो जो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से अपर लेवल का क्रेडिट कार्ड है। सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम बेनिफिट की अगर कार्ड पर हम बात करें तो आपको 6000 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। जैसे ही आप ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं तो उसके 60 दिन के भीतर ये 6000 रिवार्ड पॉइंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। रिवार्ड पॉइंट की अगर कार्ड पर हम बात करें तो 100 रुपये आप अगर आदित्य बिरला के स्टोर पर स्पेंड करते हैं तो आपको 20 रिवार्ड पॉइंट इस कार्ड से अर्न होते हैं। वही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से डाइनिंग और एंटरटेनमेंट और होटल पर अगर इस कार्ड से 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो 10 रिवार्ड पॉइंट अर्न होते हैं। इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी पर आप 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। फ्यूल पर आपको किसी भी तरीके का रिवार्ड पॉइंट इस कार्ड से नहीं मिलने वाला है। माइलस्टोन बेनिफिट की अगर कार्ड पर बात करें, 1.5 लाख रुपये एक साल के भीतर आप स्पेंड कर देते हैं इस कार्ड से तो आपको 3000 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। वही अगर आप एक साल के भीतर 3 लाख रुपये इस कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो आपको 3000 और रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं इस कार्ड। जिन स्टोरों पर आपको 20 रिवार्ड पॉइंट अर्न होंगे उनका नाम मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, तो वहां जाकर आप चेक करें। इन सभी स्टोरों पर आपको 20 रिवार्ड पॉइंट अर्न होंगे। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड से वोडाफोन प्लस आइडिया पर इस कार्ड से 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 10 रिवार्ड पॉइंट अर्न होंगे, और इन रिवार्ड पॉइंटों को आप ई गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिनिमम रिवार्ड पॉइंट 2000 होने चाहिए तभी इन रिवार्ड पॉइंटों को आप रिडीम करा सकते हैं। फिर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और एक बिलिंग साइकिल में हाइजर 100 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं, और आपका ट्रांजेक्शन 3000 से कम का होना चाहिए तभी आपको ये फ्यूल सरचार्ज वेवर मिले। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलेंगे। एक क्वार्टर के भीतर आपको एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा मिल जाएगी, EMI की सुविधा मिल जाएगी, बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI की सुविधा मिल जाएगी, फ्लेक्सी पे की सुविधा मिल जाएगी, और कन्वर्ट टू EMI की सुविधा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल जाएगी। अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की, तो ज्वाइनिंग फीस है 1499 रुपये प्लस GST, और एनुअल फीस भी 1499 प्लस GST है इस क्रेडिट कार्ड पर। मेरे ओपिनियन की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूं तो आदित्य बिरला के स्टोर पर अगर आपका एक्सपेंसेस या शॉपिंग ज़्यादा होती है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जाएं, वरना इस क्रेडिट कार्ड पर किसी भी तरीके का खास ऐसा बेनिफिट नहीं है जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूं। अगर आदित्य बिरला के स्टोर पर आप ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं कार्डों को तो इस कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।